मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेश लाया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेश लाया है। अब संगम की अंतिम बेला घर ले जाने आया है, मेरा बाबा आया है, शुभ संदेश लाया। ओ शांति, आज की साकार मुरली 6 अक्टूबर 2020, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठी बच्ची, जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे आप बच्चे भी बाप के मददगार बनो, प्रीत बुद्धि बनो, दुख देने का कभी ख्याल भी ना आए। प्रश्न, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य क्या है? तुम्हें बाप की कौन सी शिक्षाएं मिली हुई हैं? उत्तर, तुम रूप बसंत बच्चों का कर्तव्य है मुख से सदैव रत्न निकालना। तुम्हारे मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। सर्व बच्चों प्रति बाप की शिक्षा है कि बच्चे, नंबर एक, आपस में कभी एक दो को तंग नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये आसुरी मनुष्यों का काम है। नंबर दो, मनसा में कभी किसी को दुख देने का ख्याल ना आए। नंबर तीन, निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहन करना, अगर कोई कुछ बोलता है तो शांत रहना, हाथ में लौ नहीं उठाना। गीत चला, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। ज्ञान और अज्ञान, तुम बच्चों में अभी ज्ञान है, भक्त लोग महिमा किसकी करते हैं, और तुम बच्चे जो यहां बैठे हो, तुम किसकी महिमा सुनते हो? रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। वो तो ऐसे ही सिर्फ महिमा गाते हैं, वे तो सिर्फ ऐसे ही महिमा गाते हैं, गाते रहते हैं। इतना प्यार नहीं, क्योंकि पहचान नहीं है, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। तुमको बाप ने पहचान दी है, मैं प्यार का सागर हूं और तुमको प्यार का सागर बना रहा हूं। बाप प्यार का सागर कितना सबको प्यारा लगता है, वहां भी सब एक दो को प्यार करते हैं। ये तुम यहां सीखते हो, किसके साथ भी विरोध नहीं होना चाहिए। जिसको बाबा लून पानी कहते हैं, अंदर में किसके लिए नफरत नहीं होनी चाहिए। नफरत करने वाले कलयुगी नर्कवासी हैं, जानते हो, हम सब भाई बहन हैं, शांति धाम में हैं तो भाई भाई हैं। यहां जब कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाते हैं तो बहन भाई हैं, ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वर की महिमा है, वो ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, यानी सबको सुख देते हैं। तुम सब दिल से पूछो,
जैसे बाप भविष्य 21 जन्मों के लिए सुख देते हैं, वैसे हम भी वह कार्य करते हैं। अगर बाप के मददगार नहीं बनते, प्यार नहीं करते, एक दूसरे प्रीत नहीं है, विपरीत बुद्धि होकर रहते हैं, तो विनश्यंती हो जाते हैं। विपरीत बुद्धि होना असुरों का काम है। अपने को ईश्वरीय संप्रदाय कहलाकर फिर एक दो को दुख देना, उनको असुर कहा जाता है। तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना, तुम हो ही दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, तो दुख देने का ख्याल भी तुमको नहीं आना चाहिए। वे तो है ही आसुरी संप्रदाय, ना कि ईश्वरीय संप्रदाय, क्योंकि देह अभिमानी है। वे कभी याद की यात्रा में रह ना सके, वे कभी याद की यात्रा में रह ना सके। याद की यात्रा बिगर कल्याण होना नहीं है। वर्षा देने वाले बाप को तो जरूर याद करना है, तो विकर्म विनाश होंगे। आधा कल्प तो एक दो को दुख देते आए हो, एक दो में लड़ते तंग करते रहते हैं, वे आसुरी संप्रदाय में गिने जाते हैं। भल पुरुषार्थी हैं तो भी कब तक दुख देते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, अपना चार्ट रखो। चार्ट रखने से मालूम पड़ेगा हमारा रजिस्टर सुधरता जाता है या वही आसुरी चलन है। बाबा सदैव कहते हैं, कभी किसी को दुख मत दो। निंदा स्तुति मान अपमान ठंडी गर्मी सब सहन करना है। कोई ने कुछ कहा तो शांत रहना है। ऐसे नहीं कि उनके लिए दो वचन और कह देना है। कोई किसको दुख देते हैं तो उनको बाप समझाएंगे ना। बच्चे बच्चे को कह नहीं सकते, अपने हाथ में ला नहीं लेना है। कुछ भी बात है तो बाप के पास आना है। गवर्नमेंट में भी कायदा है, कोई एक दो को घूसा नहीं मार सकते, कंप्लेन कर सकते हैं। लॉ उठाना गवर्नमेंट का काम है। तुम भी गवर्नमेंट के पास आओ, हाथ में ला नहीं लो। ये तो है ही अपना घर, इसलिए बाबा कहते हैं, रोज कचहरी करो, रोज कचहरी करो। ये भी समझते नहीं है, शिव बाबा ऑर्डर करते हैं। बाबा ने कहा है, हमेशा समझो, शिव बाबा सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं, हमेशा शिव बाबा ही समझो, तो उनकी याद रहेगी। ये शिव बाबा ने रथ लिया है, तुम ज्ञान सुनाने के लिए सतो प्रधान बनने का रास्ता बाप समझा रहे हैं, वो है गुप्त। तुम हो प्रत्यक्ष, जो भी डायरेक्शन निकलते हैं समझो शिव बाबा के हैं, तो तुम सेफ रहेंगे। तुम बाबा बाबा शिव को ही कहते हो। वर्षा भी उनसे मिलता है, उनके साथ कितना रिगार्ड रॉयल्टी से चलना चाहिए। तुम कहते हो ना, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर सेकंड थर्ड बने, सूर्यवंशी नहीं बने तो चंद्रवंशी बने, ऐसे तो नहीं। हम भव दास दासी बने, प्रजा बनना तो अच्छा नहीं है। तुमको तो यहाँ देवी गुण ही धारण करने हैं, आसुरी चलन तो नहीं होने चाहिए। निश्चय नहीं है तो फिर बैठे बैठे ये कह देते,
इनमें शिव बाबा आते हैं, हम तो नहीं समझते। माया का भूत आने से आपस में ऐसे कह देते हैं। आपस में आसुरी स्वभाव वाले मिलते हैं तो फिर ऐसे बोलने लग पड़ते हैं। आसुरी बातें ही मुख से निकलती हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा रूप बसंत बनते हो, तुम्हारे मुख से रत्न ही निकलने चाहिए। अगर पत्थर निकलते हैं तो गोया आसुरी बुद्धि ठहरे। गीत भी बच्चों ने सुना। बच्चे कहते हैं बाबा प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शिव बाबा की ही महिमा है। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। याद करने में बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फेल होते हैं। देही अभिमानी स्थिति में ठहर नहीं सकते। देही अभिमानी बनेंगे तब ही इतना ऊंच पद पाएंगे। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कई बच्चे फालतू बातों में बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। ज्ञान की बात ही ध्यान में नहीं आती। ये भी गायन है। घर की गंगा का मान नहीं रखते, घर की चीज का इतना मान नहीं रखते। जबकि कृष्ण आदि का चित्र घर में भी है, फिर इस नाथ द्वारे आदि इतना दूर दूर क्यों जाते हैं। शिव के मंदिर में भी तो पत्थर का ही लिंग है। पहाड़ों से पत्थर निकलते हैं, वे घिस जाते हैं, धीरे धीरे वो लिंग बन जाते हैं। घिसते घिसते गोल लिंग की तरह बन जाते हैं। उनमें कोई कोई पत्थर में सोना भी लगा हुआ होता है। कहा जाता है सोने का कैलाश पर्वत। सोना पहाड़ों से निकलता है ना, तो थोड़ा सा सोना लगे हुए पत्थर भी होते हैं जो फिर बहुत अच्छे अच्छे गोल हो जाते हैं। वे बेचते हैं, मार्बल का भी खास बनाते हैं। अब भक्ति मार्ग वाले को कहो कि तुम बाहर में इतना भटकते क्यों हो, तो बिगड़ जाएंगे। बाप खुद कहते हैं तुम बच्चों ने बहुत पैसे बर्बाद किए हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है जो तुमको धक्का खाना पड़ता है। ये है ही ज्ञान और भक्ति का खेल। अभी तुम बच्चों को सारी समझ मिलती है। ज्ञान है सुख का रास्ता। ज्ञान से सतयुग की राजाई मिलती है। इस समय राजा रानी तथा प्रजा सब नरक के मालिक हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इन बातों को अभी तुमने समझा है। अभी तुम कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए स्वर्ग की स्थापना करने वाले बाप के पास बैठे हैं। ज्ञान की बूंद मिलती है, थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर आएंगे। बाकी पुरुषार्थ पर है कि कितना ऊंच पद पाना है, उसके लिए पुरुषार्थ करनी है। समझते हैं गंगा जल की एक लोटी भी मुख में डालने से पतित से पावन बन जाते हैं। लोटी भर कर ले जाते, फिर रोज उनसे एक एक बूंद पानी में मिलाए स्नान करते हैं। वो जैसे गंगा स्नान हो जाएगा। विलायत में भी गंगा जल भर कर ले जाते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है। माया बड़ा जोर से थप्पड़ लगाती है, विकर्म करा देती है। इसलिए कचहरी करो, आप पे ही अपनी कचहरी करना अच्छा है।
तुम अपने को आप पे ही राज तिलक देते हो, तो अपनी जांच करनी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप श्रीमत देते हैं, ऐसे ऐसे करो। बाबा रास्ता दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करो। दैवी गुण धारण करो, अब जो करेंगे वो पाएंगे। तुम्हारे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बेहद का बाप मिला है, उनकी सर्विस में मददगार बनना है। अंधों की लाठी बनना है। जितना जास्ती बनेंगे उतना अपना ही कल्याण होगा। बाबा को तो घड़ी घड़ी याद करना है। निष्ठा में एक जगह बैठने की बात नहीं, चलते फिरते याद करना है। ट्रेन में भी तुम सर्विस कर सकते हो। तुम कोई को भी समझा सकते हो कि ऊंच से ऊंच कौन है, उनको याद करो। वर्षा उनसे ही मिलेगा। आत्मा को बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। कोई दान पुण्य करने से राजा के पास जन्म लेते हैं, सो भी अल्पकाल के लिए। सदा तो राजा नहीं बन सकते। तो बाप कहते हैं, यहाँ तो 21 जन्मों की गारंटी है। वहाँ ये पता नहीं पड़ेगा कि हम बेहद के बाप से ये वर्षा ले आए हैं। ये ज्ञान इस समय तुमको मिलता है तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो गोया अपने पाँव पर कुल्हाड़ा मारते। चार्ट लिखते रहो तो डर रहेगा। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे। चाल चलन में बहुत फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं, गफलत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। अपने पुरुषार्थ का फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार जरूर होगा, फिर बहुत रोना पड़ेगा। क्या कल्प कल्प यही वर्षा मिलेगा? दास दासी जाकर बनेंगे? आगे तो ध्यान में जाकर सुनाते थे, फलानी दासी है, ये है, फिर बाबा ने बंद कर दिया। पिछाड़ी में फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार बिगर सजा कैसे मिल सकती है? कायदा ही नहीं। बच्चों को युक्तियां भी बहुत समझाई जाती हैं। तुम अपने पति को बोलो, बाबा कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। माया जीते जगत जीत बनो। अब हम स्वर्ग के मालिक बने या तुम्हारे कारण अपवित्र बन नरक में जाएं। बहुत प्यार नम्रता से समझाओ, मुझे नरक में क्यों ढकेलते हो? ऐसी बहुत बच्चियां हैं, समझाते समझाते आखिर पति को ले आती हैं। फिर पति कहता कि ये हमारा गुरु है, इसने हमको बहुत अच्छा रास्ता बताया। बाबा के आगे चरणों में आए गिरते हैं। कभी जीत कभी हार भी होती है। तो बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। जो सर्विस करेंगे वही प्यारे लगेंगे। भगवान बाप आए हैं बच्चों के पास, उनकी श्रीमत पर चलना पड़ेगा। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो तूफान लगने से गिर पड़ते। ऐसे भी हैं, वो क्या काम के रहेंगे? ये पढ़ाई कोई कॉमन नहीं है। और सब सत्संगों आदि में तो है कनरस, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। और ये बाप द्वारा तो 21 जन्मों का सुख मिलता है। बाबा सुख शांति का सागर है। हमको भी बाप से वर्षा मिलना है। सेवा करेंगे तब तो मिलेगा। इसलिए बैज सदा पड़ा रहे। हमको ऐसा सर्व गुण संपन्न बनना है। जांच करनी है कि हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, आसुरी चलन तो नहीं चलते हैं। माया
ऐसे काम कराती है, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे घर वाले भी बतलाते हैं माया ने ये विकर्म करा लिया। कोई सच बताते, कोई सच नहीं बताने से 100 गुना दंड पा लेते। झूठ बोलते हैं तो दंड मिलता है, फिर वो आदत बढ़ती जाएगी। बाप को सुनाएंगे तो बाबा सावधान करेंगे। बाबा कहते हैं पाप किया है तो रजिस्टर में लिखो और बता दो तो तुम्हारे पाप आधा खलास हो जाएंगे। सुनाते नहीं, छिपा लेंगे तो फिर करते ही रहेंगे। श्राप मिल जाता है ना बतलाने से, एक बार के बदले 100 बार करते रहेंगे। बाबा कितनी अच्छी राय देते हैं तो 100 गुना सजा मिल जाएगी, परंतु कोई कोई को जरा भी असर नहीं होता। अपनी तकदीर को जैसे लात मारते रहते हैं, बहुत बहुत नुकसान करते हैं। अंत में सबको साक्षात्कार होगा, ये बनेंगे। क्लास में ट्रांसफर होते हैं तो नंबर मिलते मार्क्स निकलती है ना। ट्रांसफर होने पहले रिजल्ट निकलती है। तुम भी अपने क्लास में जाते हो तो मार्क्स का पता पड़ेगा, फिर बहुत जार जार रोएंगे, फिर क्या कर सकेंगे। रिजल्ट तो निकल गई ना, जो तकदीर में था वो ले लिया। बाप सब बच्चों को सावधान करते हैं, कर्मातीत अवस्था अभी हो ना सके। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर शरीर छोड़ना पड़े। अभी कुछ ना कुछ विकर्म रहे हुए हैं, हिसाब किताब है, इसलिए योग पूरा नहीं लगता है। अभी कोई भी नहीं कह सकते कि हम कर्मातीत अवस्था में हैं। नज़दीक आने से फिर बहुत निशानियां दिखाई पड़ेंगी, सारा मदार तुम्हारी अवस्था पर और विनाश पर है। तुम्हारी पढ़ाई पूरे होने पर होगी तो फिर देखेंगे, लड़ाई सिर पर खड़ी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, माया के वश होकर कोई भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। अपनी चलन का रजिस्टर रखना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो पश्चाताप करना पड़े। बहुत बहुत प्यार और नम्रता से सेवा करनी है, मीठा बनना है, मुख से आसुरी बोल नहीं बोलने हैं। संग की बहुत बहुत संभाल करनी है, श्रीमत पर चलते रहना है। आज का वरदान है मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति कंबाइंड भव। मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाने वाले शिव शक्ति, शिव और आप हो गए शक्ति, दोनों मिलकर एक होकर सेवा करें। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से गुलाब चंदन व भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं, ऐसे आप शिव शक्ति कंबाइंड बन मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा सुख शांति प्रेम आनंद की खुशबू फैलाओ। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंटेन के माफिक आत्माओं के ऊपर गुलावाशी डालो।
सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करो तो विश्व में जो अशुद्ध वृत्तियों की बदबू है वो समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है आज का, सुखदाता द्वारा सुख का भंडार प्राप्त होना यही उनके प्यार की निशानी है। ओम।